उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने का भरपूर प्रयास कर रही थी। उत्तर प्रदेश उच्च जातियों की जनसंख्या विशेष राज्य है, जिसकी आबादी 20% है, जिनमें से आधे ब्राह्मण हैं। यह देश की सबसे बड़ी ब्राह्मणों की आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी का 14-15% बताया जाता है। यूपी में ब्राह्मण यादवों के बाद सबसे बड़ा एकल जाति समूह है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मणों को गमे चंगेर के रूप में देखा जाता रहा है। सब पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई थी। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे थे, तो कहीं अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति मंदिर का अनावरण करवा रहे थे। बसपा ने भी ब्राह्मण समुदाय का समर्थन जीतने के लिए राज्य भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन चुनाव में बसपा को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। ब्राह्मण बहुल सीटों पर की गई बैठकें धरी की धरी रह गई। ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने में बसपा नाकाम रही। इसी बीच मायावती का ब्राह्मणों से भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण नेताओं से किनारा करना शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती मुस्लिमों और दलितों पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। हम ऐसा कह सकते हैं, ब्राह्मण दलित के फॉर्मूले बदलकर मुस्लिम दलित हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में हुए पार्टी की बैठक में मुस्लिमों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी वापसी के लिए मायावती ने ब्राह्मण नेताओं को दरकिनार करते हुए नए नेताओं को अहम भूमिका दे रही है। मायावती ने दलित नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कैडर को तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। घनश्याम चंद्र खरवार, भीमराव अंबेडकर, अखिलेश अंबेडकर, सुधीर भारती, राजकुमार गौतम, मदन राम और विजय प्रताप समेत इन नेताओं को अहम पद दिए गए हैं। 30 जून को हुई बैठक में बसपा प्रमुख ने दलित समुदाय से आने वाले पार्टी मिशनरी नेताओं को जोनल प्रभारी बनाकर संगठन में फेरबदल किया। बसपा ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए मुनकद अली, शमशुद्दीन रैनी और नौशाद अली समेत और अन्य नेताओं को पार्टी का जोनल प्रभारी बनाया गया। 5 जुलाई को पूर्व मंत्री और सपा का दामन छोड़कर आए मोहम्मद इरशाद खान भी बसपा में शामिल हो गए। ब्राह्मण नेताओं को साइड करने के बाद देखना होगा बसपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। बसपा ने महत्वपूर्ण पड़ी में काबिज सभी ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया, जिनमें से बसपा के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे सतीश चंद्र मिश्रा हैं।